Hello friends, welcome you to our channel Raypop. दोस्तों नमस्ते, आप लोगों को स्वागत है UTA NTA UGC NET December 2018 एग्जाम पैटर्न और एंड सिलेबस। तो जो NTA का जो UGC NET एग्ज़ाम है 2018 दिसंबर में होने वाले है, उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है और सिलेबस है उसका हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल्स यहाँ आप लोगों को मिल जाएगा। NTA का UGC NET एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस का पूरा डिटेल्स आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग अगर UGC का NET एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वीडियो को अंत से शुरू से अंत तक ज़रूर देखते रहिए। दोस्तों और एक बात बता दें कि हमारे ये जो चैनल है रेपोट, इसमें आप लोगों को हर जॉब रिलेटेड रिक्रूटमेंट हो, हर एग्ज़ाम का स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हर एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली मिल जाते जब भी ये पब्लिश होते हैं। तो दोस्तों उसको इमीडिएटली आप लोगों को हर इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे जो चैनल है, इसका जो सब्सक्रिप्शन बटन है रेड कलर के नीचे होगा इस वीडियो का, उसको आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, क्लिक करके रखिए, ताकि आप लोगों को हर इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है UGC NET 2018 एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो NTA है वो होगा 9 दिसंबर 2018 टिल 23 दिसंबर 2018। तो दिसंबर के जो 9 तारीख है उससे स्टार्ट होगा और 23 दिसंबर तक चलेगा, 30 तारीख तक चलेगा। इन वेरियस सब्जेक्ट एट सिलेक्टेड एग्जामिनेशन सेंटर स्प्रिट अक्रॉस द कंट्री। तो इन वेरियस सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट होगा, जैसे आप लोग विन सब्जेक्ट के लिए आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, और ये अक्रॉस द कंट्री होगा, पूरा देश में होगा। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है उसके लिए, और एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के और असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, या तो असिस्टेंट प्रोफेसर जिस ओनली। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC हैज एंट्रस्टेड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो नेट है ये UGC का है, तो टू NTA एस्टेब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये जो UGC है उन्होंने NTA को ये दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नेट एग्ज़ाम एस्टेब्लिश किया जाए। लेट्स लुक एट द एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ सिलेबस ऑफ द NTA UGC नेट 2018 एग्ज़ाम। तो आइए इसका एग्ज़ाम का पैटर्न यहाँ देखिए। तो यहाँ लिखा हुआ है NTA UGC नेट 2018 एग्ज़ाम पैटर्न। तो यहाँ लिखा हुआ है UGC NET 2018 एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड टू डिटरमाइन द कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली पोस्ट इन इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज। तो ये जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन होने वाले है। फिर याद है इन इट विल बी ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो ये कंप्यूटर में होने वाला है। कंसिस्टिंग ऑफ टू पेपर्स, तो इसमें दो पेपर होगा, डेट इज पेपर वन एंड पेपर टू, कंडक्टेड इन टू डिफरेंट सेशन, तो दो सेशन में पेपर वन और पेपर टू का एग्जाम होगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपियर फॉर बोथ पेपर्स इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप लोगों को दोनों में ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, फिर यहाँ नीचे लिखा हुआ है NTA UGC NET 2018 एग्ज़ाम पैटर्न, यहाँ दिया हुआ है या सेशन दिया हुआ है, पेपर दिया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी है, ऑल आर कंपल्सरी, फिर इसमें मार्क दिया हुआ है और ड्यूरेशन भी है। तो देखिए फर्स्ट में पेपर वन है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है 50 और मार्क्स है 100 और ड्यूरेशन है 1 आवर। तो इसमें इसके बाद जो सेकंड सेशन है पेपर टू, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ 100 दिया हुआ है, मार्क्स 200 एंड आवर्स 2 आवर्स। तो यहाँ टोटल दिया हुआ है, क्वेश्चन हो गया 150 और मार्क्स आप लोगों का हो गया 300 और 3 आवर्स। तो इसके बाद यहाँ
देवा इन पेपर वन द क्वेश्चन विल बी जेनेरिक इन नेचर, से जेनेरिक क्वेश्चन होगा इन इंटेंडिंग टू एसेस द टीचिंग और रिचर्स एप्टीट्यूड ऑफ कैंडिडेट। तो आप लोगों को जो एटीट्यूड है कैंडिडेट का टीचिंग और रिसर्च उसके ऊपर होगा। इट विल बी प्राइमरीली बी डिजाइन टू टेस्ट द रीजनिंग एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट। तो आप लोगों का जो जनरल अवेयरनेस है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल है, रीजनिंग एबिलिटी, ये चेक किया जाएगा इस पेपर वन का एग्जाम की तरह। और पेपर टू विल बी बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट। और पेपर टू आप लोगों का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के ऊपर आएगा। तो इसके दिया है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये अच्छी बात है। फिर यहाँ देखिए ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जो भी क्वेश्चन होगा वो आप लोगों का कंपलसरी है। बोथ द पेपर्स विल कंसिस्ट ओनली सब्जेक्ट टाइप, ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एंड ऑन विल बी अटेम्प्टेड विथ अ ब्रेक ऑफ 30 मिनट्स बिटवीन देम। तो 30 मिनट का ब्रेक, इसमें ब्रेक दिया जाएगा दो पेपर जो है इसमें से उसके अंतर। तो इसके देखिए नीचे यूजीसी नेट पेपर वन एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड जो है ये पेपर वन इसका या सिलेबस एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेपर वन इज टू एसेस द टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटी जो है आप लोगों का टीचिंग कैपेबिलिटी से ये इसके द्वारा आपको टेस्ट किया जाएगा ऑफ द कैंडिडेट। देयरफॉर द टेस्ट इज एम एट एसेसिंग द टीचिंग एंड जनरल रिसर्च एप्टीट्यूड एज वेल एज देयर अवेयरनेस। तो आप लोगों का जो अवेयरनेस है और या जो जनरल और रिसर्च एप्टीट्यूड है ये टेस्ट किया जाए। दे आर एक्सपेक्टेड टू प्रोसेस एंड एक्सिबिट कॉग्निटिव एबिलिटीज, तो आप लोगों का जो कॉग्निटिव एबिलिटी है तो ये आप लोगों का यहाँ से आ जाएगा प्रोसेस, आप लोगों को कितना कॉग्निटिव एबिलिटीज है। तो इसके बाद देखिए कॉग्निटिव एबिलिटीज इंक्लूड कॉम्प्रिहेंशन, तो आप लोगों का ऑलरेडी मिल चुका है कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग जो है ये इसके अंदर होगा। फिर इसका देखिए द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव ए जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। आप लोगों को होना चाहिए जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज होना चाहिए। दे शुड बी अवेयर ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल, एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये आप लोगों को होना चाहिए। फिर यहाँ देखिए लेट्स हैव ए लुक एट द एग्जाम पैटर्न फॉर पेपर वन इन डिटेल्स। तो पेपर वन का जो एग्जाम पैटर्न है ये डिटेल्स में यहाँ दिया हुआ है। NTA UGC NET 2018 पार्ट वन एग्जाम पैटर्न यहाँ दिया हुआ है। पार्ट यहाँ दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पार्ट है। इसके बाद यह सेक्शंस भी दिया हुआ है। यह ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन कितना होगा यह दिया हुआ है और मार्क दिया हुआ है। यह देखिए नंबर पार्ट वन में जो नंबर वन है ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है। इसके बाद देखिए यह मार्क क्वेश्चन है 5 मार्क्स से 10। इसके बाद टीचर्स एप्टीट्यूड, इसमें आप लोगों का क्वेश्चन है 5 और मार्क्स से 10। फिर यह रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यह भी क्वेश्चन 5 और 10 मार्क्स। कम्युनिकेशन 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स। देन 5 रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथ्स 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स। लॉजिकल रीजनिंग 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स। डाटा इंटरप्रिटेशन दैट इज 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स। देन इंफॉर्मेशन ऑन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स। पीपल एंड एनवायरमेंट 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स। हायर एजुकेशन नंबर 10 में जो है लास्ट में हायर एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन सिस्टम दैट इज गवर्नेंस पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यह भी 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स। तो टोटल आप लोगों को 50 क्वेश्चन हो जाते हैं और मार्क होते हैं 100। नोट यह लिखा हुआ है इस सेक्शन गेट्स इक्वल वेट इज 5 क्वेश्चन एंड 10 मार्क्स फ्रॉम इस सेक्शन। तो आप लोगों का जो सेक्शन यह दिया था 10, इसमें सब इक्वल है, इक्वल वेट इज दिया गया है। तो उसके बाद देखिए क्या दिया, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, जो आप लोगों का अभी फलता सब गया होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अच्छा बात है। द एग्जाम ड्यूरेशन विल बी 1 आवर और 1 आवर होगा, ये जो आप लोगों ने आप लोगों को मिला है ये सिलेबस का, तो 1 आवर है। व्हेनेवर द
pictorial question sets are sets for the cited candidates as passes, followed by the equal number of questions should be set for the visually handicapped candidates. तो जो उसका visually handicap है उन लोगों के लिए भी यह system है. Pictorial questions. Let's look in detail the syllabus for 10 sections of paper. तो यह दिया हुआ है. Number one, teaching aptitude. Teaching aptitude, teaching the nature, objective characteristics and basic requirement, learner's characteristics, factor affecting the teaching methods of teaching, teaching aids, evaluation system. जो है ये आप लोगों का यहाँ ये syllabus होते हैं. फिर यहाँ देखिए Richards aptitude में क्या syllabus है. Richards meaning, characteristics and types है. Steps for Richards है. Methods of Richards है. Richards ethics है. Paper article, workshop, seminar, conference, symposium. यहाँ है. फिर देयर इज थेसिस राइटिंग भी है. इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉर्मेट भी यहाँ दिया हुआ है. फिर इसके बाद नंबर थ्री में आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस. तो इसमें दिया है पैसेज टू बी सेट विथ क्वेश्चंस टू बी आंसर. तो यह इसे होगा. फिर यहाँ नंबर फोर में है कम्युनिकेशन नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप्स बेयरिस इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है ये इसमें ऊपर होगा. फिर इसके दे नंबर फाइव रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथमेटिकल. तो यह दिए नंबर सीरीज लेटर सीरीज कोट्स रिलेशनशिप क्लासिफिकेशन इसमें होगा. फिर इसका जो सिक्स में है जो लॉजिकल रीजनिंग इसका सिलेबस ऐसा दिया हुआ है. अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इवेलुएटिंग दिस डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग वर्बल एनालॉजीज दैट इज वर्ड एनालॉजी अप्लाइड एनालॉजी वर्बल क्लासिफिकेशन. फिर इसके बाद रीजनिंग लॉजिकल डायग्राम सिंपल डायग्राम रिलेशनशिप मल्टी डायग्रामेटिक रिलेशनशिप बेन डायग्राम. इसके बाद है एनालिटिकल रीजनिंग. इसके बाद है डाटा इंटरप्रिटेशन. तो इसका देखिए सोर्स एक्विजिशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन एंड मैपिंग ऑफ डाटा. इसके बाद नंबर एट में आते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इसका जो सिलेबस ये देखिए आईसीटी मीनिंग इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड रूल्स जनरल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी बेसिक ऑफ इंटरनेट एंड ईमेल. इसके बाद देखिए नंबर नाइन पे पीपल एंड एनवायरनमेंट जो था उसका सिलेबस है पीपल एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन पोल्यूटेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल एंड एनर्जी सोर्स नेचुरल हैजर्ड एंड मिटिगेशन. इसके बाद यह देखिए हायर एजुकेशन सिस्टम गवर्नेंस पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन. इसके देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन इंडिया फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशन प्रोफेशनल एंड टेक्निकल जनरल एजुकेशन वैल्यूएबल एजुकेशन गवर्नेंस पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूशंस एंड देयर इंटरेक्शन. देन यूजीसी नेट पेपर टू एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस 101 सब्जेक्ट. यह है जो यूजीसी नेट पेपर टू एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस 101 सब्जेक्ट्स. तो इसमें आप लोगों को पेपर टू में जो आप लोगों का सब्जेक्ट टोटल है 101. तो इसमें देखिए इन पेपर टू यूजीसी नेट एग्जाम 2018 देयर विल बी टू क्वेश्चन पेपर पार्ट ए एंड पार्ट बी. तो इसमें दो क्वेश्चन पेपर होगा पार्ट ए एंड पार्ट बी. लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जाम पैटर्न फॉर द पार्ट टू इन डिटेल्स. तो यह डिटेल्स में दिया हुआ है पार्ट टू का एग्जाम पैटर्न. इसमें दिया है एनटीए यूजीसी नेट 2018 एग्जाम पैटर्न एंड पार्ट वन एग्जाम पैटर्न. तो यह देखिए पेपर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस मार्क फॉर वन क्वेश्चन एंड टोटल मार्क. तो यह देखिए सिलेक्टेड सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव मल्टीपल क्वेश्चन होगा टाइप होगा ये ऑब्जेक्टिव मल्टी एमसीक्यू होगा नॉन ऑफ क्वेश्चन 100 होगा मार्क्स फॉर वन क्वेश्चन. एक क्वेश्चन के लिए दो मार्क्स तो टोटल आप लोग 200 मार्क्स होते हो जाते 100 क्वेश्चन में 200 मार्क्स होते जाते. तो पेपर टू विल बी ऑफ टोटल 200 मार्क्स. देयर विल नो नेगेटिव मार्किंग इन एग्जाम. तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी है. द टोटल एग्जाम ड्यूरेशन विल बी 2 आवर्स. तो आप लोगों को 2 आवर्स दिया जाएगा इसमें
एज यू ऑलरेडी नो द पेपर टू विल बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट सिलेक्टेड बाय कैंडिडेट, तो आप लोग जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है वही सब्जेक्ट का होगा। यही था आज का वीडियो में, ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो के नीचे जो रेड कलर के बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आप लोगों को कुछ कहना है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए क्योंकि सब्सक्राइब बिल्कुल मुफ्त है। तो दोस्तों इस वीडियो से लेते हैं विदा, मिलेंगे और एक नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।